नहीं जिहड़े बहन भाई साडा कल दा व्लॉग वेख्या क्योंकि उन्दे ते प्रॉब्लम आ गई सी, काफ़ी सारे बहन भाई व्लॉग को नहीं वेखे ते ओ वाला व्लॉग ऐ वाला हैगा अपलोड किया सी ते लेकिन तुसीं वेखना होवे ते जाके चैनल ते जाके नोदे ओ व्लॉग जाने देख सकदे। साडी काफ़ी सारी चीज़ां जिहड़ियां गुम हो गईआं सी। अस्सलाम वालेकुम भाईया। वालेकुम सलाम जनाब। मैं तो हूँ उठा, मैं तो हूँ ही तेरे सलाम लैनी है। मेरे को मज्जा मुज्जा चो के चाय वगैरह भी पका ले। मुंडा जेड़ा ना पवा रहा गद्दे नू पानी नाल और वेखदा वे मेरी वीडियो तो नहीं बनांदा क्या। बेगम साहबां ते आराम सुकून बह के नाश्ता कर रही है। आज तू भी नाश्ता कर ला, बच्चे आज सारे कण और बच्चे सारे हाले तक जेड़ा न सो रहे ने। अब्दुल वहाब भी सो रहा, रात बड़ी देर का सुते न। अब्दुल वहाब आया ते मेरा खेड़ 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 के ना अब्दुल वहाब ने नहीं जब दे समा दित्ता ने। और सिस्टर ने मेनू दित्ती है जी सुबह सुबह। बेगम साहबां शायद ना पता वे ए कॉली पई हुई है। बेगम साहबां भी सोई हुई सी इत्थे, हुण जेड़ा ना ए भी उठी है ते मैं खाधी है जी फिरनी और नाल जी बिस्कट भी ने, रस भी ने, नाल चाय वगैरह वो भी दूध पत्ती। हाँ जी सिस्टर ने रोटियां ही पकाइयां, लेकिन रोटियां वगैरह जी नहीं कोई नहीं, दोपहर टाइम या शाम नु ही खावांगे। हुन वो दो है या तू यार आ जा भी एक और मुंडा उठ गया। रात नु कपड़े गुम हो गए, ओ ते नुकसान होया ही होया, एक होर नुकसान हो गया। उनकी वजह लगी कल मैनू पता तो हैगा सी, लेकिन मैनू नहीं पता हैगा सी कि इस तरीके जेड़ा ना होवेगा। कल मेरे ना कुछ इस तरह होया, कल जी शाम नू वीडियो अपलोड की थी, वो बिल्कुल चली नहीं। उनकी वजह यह काफ़ी थोड़ी पहले पहले चली सी, लेकिन डिटेक्ट हो गया सी उनके एडवरटाइजर कंपनियां का जेड़ा मसलन ठेका हुंदा ना, मसलन जेड़े ऐड वगैरह चलाते ने उन्हां दी तरफों जिहड़ा ना काफ़ी रात उन्होंने इशू बन गया सी यूट्यूब ते मेरे चैनल दा। उनका इस तरह बनया सी कि मैं बोतल जिहड़ियां हैगियां ना ड्यू हैगियां सी, कोई बोतल कोई पैप्सी दी मेरे ख्याल कि कोको कोला दी बोतल हैगियां सी, वह मैं विच ना किसे यूट्यूब दे विच ना दिखा दित्तियां सी, विच चैनल दे व्लॉग दे विच ना बोतल वगैरह दिखाईयां सी। उन्हां बोतल करके एडवरटाइजर की तरफों जिहड़ा है ना मेरी जिहड़ी ना समझ लो कि वीडियो नूं जिहड़ा ना बिल्कुल रोक दिता गया। काफ़ी इन दी वजह जिहड़ा ना मसलन बोतलां दिखावण दी वजह तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया। रात सुबह सुबह मैं करन गया सी सैर ते सैर सपाटा की हो रहा आग क्यों बाली ने, चलो जी गंद वगैरह खत्म किया जा रहा है। बंद कर छे सारे टोड़े पट्ठे वडन जाओ कितों वडने जी जमीन गड्डी हुई है। मैं थोड़ा जहा बाहर चला गया सी भाई अहमद ने जरा ना कॉल कर, लेकिन मेरे ख्याल हाले तक सो रहे थे कॉल जी उन्होंने कोई नहीं चकी। तो बेगम साहबां भाई जा फिर और बज नहीं जो मेरे ख्याल पट्ठे वडन चल गए, बच्चों ने दसाया कि वो स्कूल वाली साइड से पर कि वड्डन गए ने, तो देखने पता नहीं मिलते नहीं कि नहीं मिलते। मैं उन्होंने जेड़ा पिछे चलिया हाले तक तो रस्ते बच्चे ही जा रहे थे तो मैं जरा ना पहुँच गया। उस लवाब देखता ये मैनू ही ना रला लवा चलो ठीक है कितों वड्डने ने। मैं मुड़े मोटरसाइकिल पर आ गया, मैं आके शायद पहुँच ही गया मैं मोटरसाइकिल रोकन जी गए उ सूरज भी माशाल्लाह निकले हुआ है। आज वैसे सुबह सुबह ठंडा मौसम है काफ़ी। और बेगम साहब आ रही है हाले हम बेगम साहब मच्छियों के फदन के जो चक्कर चो ही खड़ी है कह रही जाल हों ना असल जाफिर भाई भी नाल आया सी, जाफिर भाई भी आया सी तो उन्होंने कहा जेड़ा वड लवेंगे कोई नहीं मसला।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁੱਤ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕੁੱਤ ਪਾ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੇ ਮੱਖਣੇ ਦੁਆ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ ਫਾਦ ਲਵੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਆਹ ਬਾਰ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੋ ਵੱਡੋ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਵਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਚੋਕ ਰਿਆ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਵਾਰ ਦਾ ਗੰਨਾ ਆ ਦੇਖ ਇਹ ਲਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਚੇ ਹੈ ਜੀ ਜਵਾਰ ਦਾ ਗੰਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਵਾਰ ਦੇ ਗੰਨੇ ਸੀ ਬੜੇ ਚੁੱਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਬਜਰੀਆਂ ਜੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸੱਟ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਰਮਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੇਂਡੀਆਂ ਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਕੰਡੇ ਇਹ ਕੰਡਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਯੂਰਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਚੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਖਾਣਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖੀ ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਇਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਉੱਡੀ ਬੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
लालियां फटदियां फिरदियां नो वाले मैंने कीड़े वगैरा बच गई अंदर और बाजी उस साइड ते वाली बेगम साहबा साहब से पट्टा कर रही मैं तोड़ रहा जी एनू की सद्दे ने चिबड़ लेकिन चेक करने नहर दे पानी तो वैसे नहीं धोना चाहिए ना खराब है पूज खराब है। पूज के नु जेड़ा खा के चेक करने आ पत खाने तू खाने हैं जर पीला लब्बे ता पक्के होया पक्या होया पक्के होया पक्के होया पक्के होया कोई नहीं है एक कौड़े होवणे ने मां पुत्र बैठे वेखे ना चिबड़ जेड़ा ना मिठा निकला और मैं खा रहा देख सकते हो बड़ा ही जबरदस्त मेरे को इना जेड़ा ना चिबड़ खो लिया मिठा निकला वे खा रहा तेरा मुंह भी तो पक जाना सही है चंगा तो खांदा पिया वाह बल्ली एक जगह तू इन्ना ने वाड़ ली हूँ कितने पड़ने ओ सामने जेड़ा ना भाई बैठता नजर आ रहा उस जगह जा के हूँ जेड़ी ना फिर वड़नी है ओ भी पोल आई तू घूम के जाना पोल तू हाँ ओ पोल तू क्रॉस करांगे दूरों दी ते अथे आके जेड़ा ना फिर वड़ने ने मेरे ना बहना दो नहर लैके जाना जितना बंदे टुरना उतना ही तेज चलना चाल पर हाथ इन क्या दसा भी इतो स्टार्ट होंगे सारा पता ही अगर तेल ही खोल दा वे खोले ही खोले ही तेल साइड तू जी मैं ना खोल छड़िया तेल भाई जा फिर साढ़े पिछे पिछे आ गया सी मोटरसाइकिल ते बेगम साहबा तो जेड़ा ना चिबड़ लभदी फिर कह रही है पक्के पक्के जेड़ा ना पीले कलर दे सन चिबड़ लभण इत्थे चिबड़ चुबड़ कोई नहीं कोई नहीं बिलकुल ही कोई नहीं और रहने वाली जवार तो बिलकुल पक्की है ये देखो ना सिट्टे बिलकुल जेड़े ना पक्के खड़े ने और अंदर बीज ये खा भी सकते हो तुम बीज जेड़ा अंदर आला हाँ जी